हमारी शादी 1950 में लाहौर में हुई। मेरे वालिद उस वक्त ईस्ट अफ्रीका में थे, तो पार्टीशन के वक्त भी मैं वहाँ थी। फिर हम आए पाकिस्तान, तो एक साल के बाद मेरी शादी हुई। मेरी उम्र उस वक्त 18 साल की थी, मेरे मियाँ की 26 साल की। और शादी आप यकीन करें इतनी सादगी से हुई है कि आप सोच नहीं सकते। शायद उनकी कोई तस्वीर हो तो मैं आपको दिखाऊंगी। वो सिर्फ शलवार और कमीज में आए थे और चंद लोग उनके साथ थे। उस वक्त वो आर्मी में कैप्टन थे और कोहाट में पोस्ट थे, मगर मैं एक साल अपने ससुराल में पेशावर रही हूँ। वो हर छुट्टी के दिन वहाँ आया करते थे। उसके बाद उनकी पोस्टिंग नौशहरा में हुई, जहाँ हमारा बड़ा बेटा भी वहीं पैदा हुआ, एजाजुल हक। 2 साल हम नौशहरा रहे, उसके बाद हमारी पोस्टिंग पिंडी हुई है। पिंडी अपनी पुरानी यूनिट में आए हैं गाइड्स कैवलरी में कैप्टन की हैसियत से। पिंडी से फिर हमें इत्तला मिली तो हम चले गए खैबर राइफल में। खैबर राइफल में हम सिर्फ 6 महीने रहे तो इनको नॉमिनेट किया स्टाफ कॉलेज के लिए। हालांकि इनको कहा गया था कि आप अभी यंग हैं और आपको अभी और भी चांसेस हैं, तो आप अभी थोड़ी देर यहीं रहें, मगर उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना कोर्स जाके करूँगा वहाँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छी हैसियत से, अगर आप उस वक्त पूछे इनका कितना अच्छा कोर्स हुआ था, और सारे इनको बड़ी अच्छी तरह से चाहते थे। कोर्स के बाद भी इनको बहुत अच्छी पोस्ट मिली। हम पिंडी गए, ये BM लगे इसमें 3rd Army Brigade में, और जल सरफराज के साथ इन्होंने काम किया है। फिर वो जल बिलग्रामी के साथ काम किया है, और सब इनके सीनियर ऑफिसर हमेशा इनसे बहुत खुश होते थे। पिंडी में हमारे 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटी फिर दूसरी बेटी। और बेटी की पैदाइश पे ये इतने खुश होते थे, कहते थे बेटी जो है वो अल्लाह मियाँ की रहमत है, और मेरी हमेशा प्रमोशन होती है जब मेरी कोई बेटी पैदा होती है। बच्चों से इन्होंने इतना प्यार किया कि बच्चों की परवरिश में भी इन्होंने मेरा बहुत हाथ बटाया। जब हम एक जगह होते थे, ताकि रात को भी अगर इनको उठना पड़ता था, उठ जाते थे। इनको बच्चों को काफ़ी देर तक नहलाना धुलाना। मेरे पास एक दफ़ा हमारे एक ऑफिसर थे कर्नल पीर अब्दुल्ला शाह, उनके 2 बच्चे आके ठहरे और उनकी बीवी। उसने कहा मैंने ऐसा मिसाली खामंद कभी नहीं देखा कि तुम्हारा मियाँ तो हर वक्त बच्चों के साथ और इतने काम के बावजूद भी बच्चों को इतनी तवज्जो देते हैं। शाम को इन्होंने गाड़ी में बिठाना बच्चों को और मुझे लेना, और पैदल पूरे सदर का चक्कर लगाना और वापस आना। फिर साइकिल पे जाते थे पहले अपने ऑफिस यहाँ वेस्टरिज में, हम मरी रोड पे रहते थे। मगर इतनी कनात थी कि कभी उन्होंने ये नहीं चाहता कि मेरे पास ये भी हो वो भी हो। अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, जितना मिलता था उसी में गुजारा करते थे। हर बच्चे की पैदाइश में उन्होंने बिल्कुल बराबर खुशी की है, बेटा हो या बेटी हो। मुझे नहीं याद पड़ता कि बेटा हो तो उन्होंने ज़्यादा खुशी की है या बेटी हो। बाकायदा कीका करना और मिठाई वगैरह बाँटना हर चीज़ में। बच्चों को उन्होंने पूरी तवज्जो एक ही तरह दी है सबको। उनका शौक था कि मेरी बच्चियाँ भी खूब पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में सेटल हों। इसलिए एक मेरी बच्ची डॉक्टर बनी, दूसरी ने पहले BSc की, फिर उसने कंप्यूटर का कोर्स किया, वो भी जॉब करती रही है बैंक में। एक बेटे को डॉक्टर बनाया, क्योंकि मेरे खानदान में बहुत से डॉक्टर थे, मुझे शौक था कि मेरे बच्चे भी डॉक्टर बने, तो इसलिए मैंने फिर अपने 2 बच्चों को डॉक्टर बनाया, एक बेटी और एक बेटे को। छोटी बेटी जैन से वो बहुत मोहब्बत करते थे, कुछ तस्वीरें झलकियाँ और जैन की बातें। जैन जब पैदा हुई है, ये हमारे एक बच्चे का, इसका वक्फा 12 साल का था। जब ये हॉस्पिटल में आए हैं, जैन को देखा है, मगर इन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जैन का तो काफी बेचारी में डिफेक्ट था। 3 साल के बाद फिर हम दोनों इसको लेके गए लंदन इलाज के लिए। और इनको इतना प्यार था जैन के साथ, शुरू से बहुत ज़्यादा प्यार था। फिर ये मुझे छोड़ के आ गया, मैं 6 महीना इसके साथ वहाँ रही हूँ इसके बाकी इलाज के लिए। फिर उन्होंने मुझे भेजा 77 में इसके हार्ट के ऑपरेशन के लिए। फिर भी रोज़ फ़ोन करते थे जैन के लिए। और जैन, मेरा नहीं ख्याल जैन की कोई भी ख्वाहिश उन्होंने कभी रद्द की हो।
अबू बकर।